देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार सोलन की सब्जी मंडी को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। सोलन दौरे पर आए कृषि एवं बागवानी मंत्री रामलाल मारकंडे ने सोलन मंडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंडी में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री ने कर्मचारियों से सब्जी मंडी की खामियों के बारे में जानकारी हासिल की और उनको शीघ्र ही दुरुस्त करने के आदेश दिए। सोलन सब्जी मंडी पहुंचने पर कृषि एवं बागवानी मंत्री रामलाल मारकंडा ने दो टूक शब्दों में कहा कि मंडी में किसानों से किसी भी तरह का घपला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में यदि कहीं भी कोई खामियां पाई गई तो मंडी समिति के अधिकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने माना कि विश्व बैंक से पैसा न आने के कारण धरातल पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं और इससे प्रदेश की 8 मंडियों के कई कार्य रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सोलन की सब्जी मंडी को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत किसानों के लिए शीघ्र ही टमाटर पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल सके। डॉक्टर मारकंडा ने कहा कि इस कार्य के लिए DPR लगभग तैयार हो चुकी है और जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये भी कहा था कि यहाँ पर सोलन के डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन में एक यहाँ पर है टमाटर बेस्ड प्यूरी का भी हम उसकी शुरुआत करेंगे। उसका DPR तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी हमारा वर्ल्ड बैंक से काम बात चल रही है। वर्ल्ड बैंक के चक्कर में ही हमारा तो काम रुका पड़ा है। आज हमारे कम से कम नौ सब्जी मंडी में बजट आना है। उस चक्कर में सब्जी मंडी का मैं आज हाला देख रहा हूँ तो धरातल में जो हमारे काम होने थे जो ग्राउंड लेवल टेबल लेवल बनना था वो बन नहीं पाया। जैसे ही हमारा वर्ल्ड बैंक से पैसे आएगा, चाहे परमाणु का सब्जी मंडी हो, चाहे सोलन का हो, चाहे वो मेंदली का है, सोलन रोडू का है, चाहे वो कुल्लू का है, 8 सब्जी मंडी हमारा काम रुका पड़ा है। हम बहुत जल्दी सब्जी मंडी हिमाचल प्रदेश के ठीक करेंगे ताकि जो है किसानों को उत्पादन सब्जी मंडी उतारने में उनको आसानी हो। और हमने हर जगह बैंक मशीन लगा दिया है हर उस पे ताकि जो है जो कहा जाता था कि जो है जब गाड़ियां अंदर आती है तो उसको बेट नहीं कहता है। मैंने विधायक मंत्री बनते ही सब सब्जी मंडी में बैंक मशीन लगा दिया है ताकि उनका रेट जो ठीक मिले। और अदानियों का जो पलादारों का ये घेरा रहता था, हमारे एक्ट में लिखा गया 5 रुपए लेंगे, पूर्व में यहाँ पर 50 रुपए 100 रुपए लिया जाता था। मैंने आदेश कर दिया है जहां भी सब्जी मंडी में घपला होगा मैंने टर्मिनेट करूंगा अधिकारियों जो भी ऐसा पाया जाता है। मैंने आदेश कर चुका हूँ। मैं सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।